नमस्कार। यह वीडियो परमाणु की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर आधारित है। हम इस वीडियो में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में जानेंगे। आप परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती है ये जानेंगे, और हम इस वीडियो में समस्थानिक और समभारिक के बारे में चर्चा करेंगे और संयोजकता को समझेंगे और उस पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो अब आप बोर मॉडल जान चुके हैं। अब हम आपको विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण के बारे में बताएंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएंगे। इनमें पहला नियम है 2n स्क्वायर नियम। ये कहता है कि किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए k कक्षा के लिए n एक होता है, इसीलिए k कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है 2। l कक्षा के लिए n 2 होता है, इसीलिए L कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है 8। M कक्षा के लिए N 3 होता है, इसीलिए M कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है 18। अब दूसरा नियम ये कहता है कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। और तीसरा नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन दिए गए कक्षा में तब तक स्थान नहीं लेते जब तक अंदर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कक्षा K में प्रवेश करेगा, फिर कक्षा L में प्रवेश करेगा। जब कक्षा L में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगी तब कक्षा M में प्रवेश करना चालू करेगा। अब हम इलेक्ट्रॉन के वितरण पे कुछ सवाल हल करेंगे। अब हम एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन का विभिन्न कक्षाओं में वितरण बताइए। पहला तत्व है लिथियम। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के कक्षा में जाएंगे। के कक्षा की क्षमता 2 ही है, तो बचे हुए एक इलेक्ट्रॉन L शेल में जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा K2L1। दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स K कक्षा में जाएंगे, तो बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि L कक्षा की क्षमता 8 है जो कि 6 से ज्यादा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स L कक्षा में चले जाएंगे, तो उत्तर हो जाएगा K2L6। तीसरा तत्व है नियॉन। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स के कक्षा में जाएंगे, तो बचे 8 इलेक्ट्रॉन्स जो कि एल कक्षा की क्षमता के बराबर है, तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स एल कक्षा में चले जाएंगे और उत्तर हो जाएगा K2L8। चौथा तत्व है सोडियम। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स के कक्षा में जाएंगे, तो बचे 9 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन्स एल कक्षा की क्षमता से ज्यादा है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स एल कक्षा में जाएंगे और बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन एम कक्षा में जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा E2L8M1। पांचवा तत्व है क्लोरीन। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स के कक्षा में जाएंगे, तो बचे 15 इलेक्ट्रॉन्स। 15 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स एल कक्षा में जाएंगे, तो बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो एम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो उत्तर हो जाएगा K2L8M7। तो पिछले प्रश्न में आपने अलग अलग तत्वों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को जाना। इस प्रश्न में हम पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन के विभिन्न कक्षाओं में वितरण का पता लगाएंगे। पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स के कक्षा में चले जाएंगे, तो बचे 17 इलेक्ट्रॉन्स। 17 में से 8 इलेक्ट्रॉन एल कक्षा में चले जाएंगे, तो बचे 9 इलेक्ट्रॉन। अब एम कक्षा की क्षमता 18 इलेक्ट्रॉन है, तो हम बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन्स को M कक्षा में डाल देते हैं, तो उत्तर हो जाएगा K2L8M9। परंतु यह उत्तर गलत है, क्योंकि दूसरे नियम के अनुसार सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, परंतु यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है। तो सही उत्तर ये होगा कि आप बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन में से 8 इलेक्ट्रॉन को M कक्षा में डाल दें और बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन N कक्षा में डाल दें, तो सही उत्तर है K2L8M8N1। अब हम एक परमाणु को निर्धारित करने वाली दो संख्याओं के बारे में जानेंगे। उनमें से पहली संख्या है परमाणु संख्या। इसे अंग्रेजी के अक्षर Z से दर्शाया जाता है। परमाणु संख्या एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अलग अलग तत्वों के लिए यह संख्या अलग अलग होती है, और इसी संख्या से हमें किसी तत्व की विशेषता के बारे में पता चलता है। यही संख्या एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करती है। उदाहरण के तौर पे कार्बन के लिए यह संख्या 6 के बराबर है और सोडियम के लिए संख्या 11 के बराबर होती है। ये हम जानते हैं कि अगर किसी परमाणु का आवेश 0 है
इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अब हम दूसरी संख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है और इसे अंग्रेजी के अक्षर ए से दर्शाया जाता है। हमें पता है कि एक परमाणु का वजन सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वजन प्रोटॉन से काफी कम होता है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के वजन को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर सोडियम में जेड का मान 11 होता है और न्यूट्रॉन की संख्या 12 होती है, तो सोडियम की द्रव्यमान संख्या का मान 23 आता है। हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन बराबर होता है, इसीलिए दोनों का योग परमाणु के वजन को दर्शाता है, अर्थात द्रव्यमान संख्या परमाणु के वजन को दर्शाती है। सोडियम के परमाणु का वजन 23 यू होता है, यहाँ पे यू एक प्रोटॉन के वजन को दर्शाता है। किसी भी परमाणु को दर्शाने के लिए हमें उसकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। हमें परमाणु को इस प्रकार दर्शाते हैं, सबसे ऊपर द्रव्यमान संख्या लिखते हैं, फिर तत्व का प्रतीक लिखते हैं और फिर परमाणु संख्या लिखते हैं। जैसे कि कार्बन के लिए हम 12C6 लिखते हैं। इन दो संख्याओं को सीखने के बाद अब हम समस्थानिक और समभारिक की चर्चा करेंगे। प्रकृति में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनमें परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग होती है। ऐसे परमाणु को समस्थारिक कहते हैं, जैसे कि 12C6 और 14C6। इन दोनों परमाणु में Z का मान 6 है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, जैसे कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 6 है परंतु दूसरे परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 8 है। हम जानते हैं कि एक तत्व का रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर ही निर्भर करता है जो कि समान है, तो 12C6 और 14C6 में रासायनिक गुण समान होंगे परंतु भौतिक गुण अलग अलग होंगे। समस्थारिक को और विस्तार में समझने के लिए हम क्लोरीन का उदाहरण लेते हैं। क्लोरीन प्रकृति में दो रूपों में पाई जाती है, 35Cl17 और 37Cl17। इनका प्रकृति में पाए जाने का अनुपात 3:1 है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, क्या वो 35 के बराबर होगा या फिर वो 37 के बराबर होगा या फिर वो कुछ और ही होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणु के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है, और अगर तत्व का समस्थानिक नहीं है तो उस परमाणु का द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या के बराबर होगा, लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप के द्रव्यमान को लेके औसत द्रव्यमान की गणना करनी पड़ेगी। जैसे कि क्लोरीन के मामले में हमें क्लोरीन का द्रव्यमान निकालने के लिए क्लोरीन के समस्थानिक के द्रव्यमान का औसत निकालना पड़ेगा, और वो है 35×77/100 प्लस 37×25/100 जो कि है 35.5। इस संख्या का तात्पर्य ये नहीं है कि क्लोरीन के कुछ परमाणु के नाभिक में आधे प्रोटॉन या आधे न्यूट्रॉन रहते हैं, बल्कि इसका तात्पर्य ये है कि अगर आप क्लोरीन के कुछ मात्रा लेंगे तो क्लोरीन का औसत द्रव्यमान 35.5 यू होगा। समस्थानिक को जानने के बाद अब हम संभारिक को जानेंगे। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है उन्हें संभारिक कहा जाता है, जैसे कि कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है और आर्गन की परमाणु संख्या 18 है, परंतु दोनों की ही द्रव्यमान संख्या 40 है। इनका रासायनिक गुण अलग अलग होता है क्योंकि उनकी परमाणु संख्या समान नहीं है। क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्या समान है तो इनका वजन भी समान है। क्योंकि अब हमने विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को समझ लिया है तो अब हम संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। जब लोगों ने अलग अलग तत्वों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि जिन तत्वों में सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 थी वो तत्व बहुत स्थिर थे और वो किसी भी तत्व के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते थे। क्योंकि हर एक परमाणु स्थिर होना चाहता है, इसीलिए वो बाहरी कक्षा में कैसे भी करके 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है। दूसरे तत्वों के परमाणु की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या किसी अन्य परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति
अपने बाहरी कक्षा को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। अष्टक यानी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, या फिर उसे त्याग देते हैं, या फिर उसे ग्रहण कर लेते हैं। परमाणु अष्टक को पूरा करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण करते हैं उसे तत्व की संयोजकता मानी जाती है। अब हम कुछ उदाहरण से समझेंगे कि परमाणु अपना अष्टक पूरा कैसे करते हैं। पहला उदाहरण है सोडियम। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है K2Na1। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी K2L8, यानी उसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इस प्रक्रिया में सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा है तो उसकी संयोजकता एक है। दूसरा उदाहरण है फ्लोरीन। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है K2L7। अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो उसके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी K2L8। इस प्रक्रिया में फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो इसलिए फ्लोरीन की संयोजकता है एक। तीसरा उदाहरण है कार्बन। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी K2L8, यानी उसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इस प्रक्रिया में कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी है तो उसकी संयोजकता है 4। अंत में एक अतिरिक्त प्रश्न। प्रश्न यह है कि आपको निम्नलिखित प्रतिक्रिया का उत्पाद बताना है। पहला प्रश्न यह है कि सोडियम और क्लोरीन मिलकर आपको क्या उत्पाद देते हैं, और दूसरा प्रश्न यह है कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर आपको क्या उत्पाद देते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको अष्टक नियम की जरूरत पड़ सकती है।